हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ गाजर का हलवा बनाने की बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी। और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे बहुत ही कम चीज़ों से और बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनाया जा सकता है, देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फूडी पंकज पर। तो चलिए शुरू करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 500 ग्राम कैरेट्स यानी कि गाजर। मैंने उसको अच्छे से ऐसे क्रश कर लिया है। उसके बाद मैंने ले लिया है 300 ml दूध, देख सकते हैं एकदम मस्त मलाईदार है। और अब मैं ले रहा हूँ 50 ml देसी घी, या फिर आप नॉर्मल बटर भी ले सकते हैं। और अब मैं ले रहा हूँ शुगर 150 ग्राम, आप अपने क्वांटिटी के अनुसार ले सकते हैं जैसा आपको मीठा पसंद हो। और थोड़े से बादाम, उसको मैंने ऐसे बारीक काट लिया है। और ये थोड़े से काजू, उसको भी मैंने ऐसे से बारीक बारीक काट लिया है। तो अब मैंने एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है, उसे गर्म कर दिया है। उसमें मैं डाल रहा हूँ अपना देसी घी, देख सकते हैं हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो रहा है। तो हम अपने घी को मेल्ट होने दे रहे हैं। दोस्तों, हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम उसमें डाल देंगे अपने कैरेट्स को, देख सकते हैं कैरेट्स हमारे घी में डाल दिया है। और इसे मैं अच्छे से अब मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगा, कम से कम 20 मिनट या 15 मिनट तक। आप इसको ऐसे ही मीडियम या फिर लो फ्लेम पे भी कर सकते हैं, ऐसे ही अच्छे से स्टर करते रहें ताकि वो हमारे कैरेट्स को अच्छे से फ्राई कर दे। देख सकते हैं हमारे कैरेट्स अच्छे से फ्राई हो रहा है। और उसको ऐसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहें थोड़े थोड़े टाइम पे। देखिए दोस्तों, 20 मिनट कर लेने के बाद हमारा गाजर ऐसा हो गया है जितना हमने लिया था, लगभग उसका आधे से कम हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने दूध को, देख सकते हैं मस्त मलाई वाला दूध डाल दिया है मैंने। और अब मैं इसे भी अच्छे से चला ले रहा हूँ, इसको भी अच्छे से मिक्स करके हम अच्छे से पकाएंगे उसे। साइड के भी, फिर इसको देखिए मैं 10 मिनट तक ऐसे ही पका रहा हूँ मीडियम फ्लेम पर। और मैं उसे अभी कवर कर दे रहा हूँ, कवर हटाएंगे और देखेंगे हमारा मस्त गाजर ऐसे अच्छे से पक रहा है। उसे भी ऐसे बीच बीच में चलाते रहेंगे उठा उठा कर, देख सकते हैं दोस्तों मस्त अच्छे से पका हुआ है हमारा हलवा। उसे हम अच्छे से चला ले रहे हैं ताकि वो अच्छे से पकड़े नहीं। दोस्तों, फेस्टिवल सीजन में बहुत ही इसका यूज़ किया जाता है। अब मैं इसमें डाल दे रहा हूँ अपने शुगर को, आप अपने क्वांटिटी के अनुसार शुगर डाल सकते हैं जैसा मीठा आप पसंद करते हो। और इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर ले रहा हूँ। मिक्स कर लेने के बाद हमें इसे एकदम लो फ्लेम पर 15 मिनट तक पकाना है, उसके बाद हमारा हलवा एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही हेल्दी और अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए भी कैरेट्स, तो हमें इसको अच्छे से कभी कभी बनाते रहना चाहिए। और फेस्टिवल और त्योहारों के समय में इसका बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है, बहुत घरों में बनाया जाता है। देख सकते हैं हमारा हलवा अच्छे से मस्त मिक्स हो रहा है और देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है। इसे मैं अच्छे अच्छे से चला ले रहा हूँ। हमारा हलवा एकदम बढ़िया से अच्छे से फ्राई भी हो गया है पक के।
और उसे अच्छे से चलाते रहेंगे ऐसे ही। दोस्तों अब हमारा गाजर अच्छे से पक गया है। अब उसमें मैं डाल दे रहा हूँ अपने कैशियो काजू को और अपने कटे हुए बारीक बारीक बादाम को। देखिए इसे भी डाल दे रहा हूँ मैं। और अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे हमें गाजर के हलवे में काजू और बादाम का बढ़िया सा एकदम क्रंची और आलमंड का फ्लेवर आएगा, जो बहुत ही फ्लेवरफुल बनाएगा हमारे इस हलवे को। वैसे ही हम इसे हल्का सा और चला के अपने हीट को बंद कर देंगे और हमारा गाजर का हलवा एकदम शानदार तरीके से रेडी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग को ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर पे और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी हलवा रेसिपी कैसी बनी। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए नए नए वीडियोज और नए नए रेसिपीज लाते रहूँगा। तो हमारा हलवा एकदम रेडी है, अब हम उसे सेटल होने दे रहे हैं। सेटल हो जाने के बाद मैं एक प्लेट ले लूँगा और उसमें मैं सर्व करूँगा। मैंने एक प्लेट ले लिया है, उसमें मैं अपने हलवे को निकाल ले रहा हूँ। सकते हैं दोस्तों मस्त हमारा हलवा एकदम टेस्टी लग रहा है। अब मैं इसके ऊपर से जो हमारे कटे हुए काजू और बादाम के टुकड़ों को डाल दूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।